यहाँ पर भगवान बुद्ध को अभिवादन करते हैं, बुद्ध वंदना लेते हैं, वो भी तिब्बतीयन पैटर्न में। भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है वो तिब्बतीयन पैटर्न में है, और देख सकते हैं ये मूर्ति बाद में कॉपी करके हिंदू देवी देवताओं ने ऐसे तीन सिर वाली मूर्तियां बनाना शुरू कर दिए। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बाबा साहब की हमें फोटो देखी है, काफी सुंदर और काफी अद्भुत ऐसी ये फोटो लगाई गई है। बुद्ध मॉन्क है, ये अलग तरह का सूत बांधते है, हमारे तरफ सफेद कलर का सूत रहता है। लेकिन हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी ब्लॉग्स। दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूं नागपुर से 120 किलोमीटर दूर, जो कि भंडारा आसपास ये तिब्बतीयन बौद्ध स्तूप आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ के जो केयर टेकर है बौद्ध भिक्षु है, यहाँ जो पूरी बस्ती है ये पूरे तिब्बतीयन लोग हैं दोस्तों, और उन्होंने ये यहाँ पर बहुत सुंदर और बहुत भव्य ऐसा बौद्ध स्तूप बनाया है। तो पूरा एक्सप्लोर करूंगा इस वीडियो में, आप अंत तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से उनकी संस्कृति होती है, किस तरह से वो पूजा पाठ करते हैं और किस तरह से उनका वो पूरा स्ट्रक्चर होता है अंदर के स्तूपा का और बाहर के स्तूपा का। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हम आ चुके हैं तिब्बतीयन बौद्ध स्तूपा के अंदर। ये उसका एंट्री गेट है, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये पूरी तिब्बतीयन बस्ती है दोस्तों। यहाँ पर ये देख सकते, ये ओल्ड एज उनके लिए है, यहाँ पे जो तिब्बतीयन बुज़ुर्ग है उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था है यहाँ पे। और जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी, अंग्रेज़ी और में कि सेरा जय थेक छैनलिंग बौद्ध विहार, इसका नाम है। काफ़ी सुंदर इसका आर्किटेक्चर है, आप गेट देख सकते हैं। ये तिब्बतीयन में कुछ लिखा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, ऊपर अशोक चक्र है और अगल बगल में हिरन है या गाय है, अभी वो समझ भी नहीं आ रहा यहाँ से नीचे से। तो जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसके राइट और लेफ्ट साइड में काफ़ी भव्य ऐसा गार्डन है, और बीच में बना है ये भव्य ऐसा स्तूप। आप देख सकते हैं इनका जो तिब्बतीयन संस्कृति है उस हिसाब से वो बना हुआ है, जैसे कि वो बैंगल जो गोल गोल घुमाते हैं उसका वो ऊपर बनाया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, बौद्ध भिक्षु रहते हैं यहाँ पे और केयर टेकर रहते हैं, और ये सारे लोग तिब्बतीयन हैं। यहाँ के जो केयर टेकर हैं, जो कि यहाँ पे माली है, नौकर चाकर जितने भी लोग हैं सब तिब्बतीयन्स हैं। यहाँ पे काफ़ी भव्य ऐसा ये गार्डन बनाया हुआ है। चलो चलते हैं अंदर, आपको दिखाता हूँ, एंड तक बने रहना दोस्तों। आप देख सकते हैं वो बेल्स लगाए हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं, मणिपद्मे हुम, ये एक चक्र है जिससे ब्लेसिंग मिलती है घुमाने से, ऐसा कहा जाता है। इस स्तूपा को दोस्तों 50 साल हो चुके, देख सकते हैं यहाँ पे लिखे है 50 ईयर, 1972 से लेकर 2022 तक ये, इसको 50 साल हो गए हैं। यहाँ पे हम अपने शूज़ वगैरह निकाल लेते हैं, तो जैसे कि हमने निकाल लिए शूज़ और हम आते हैं अंदर। जैसे कि हम अभी अंदर आए हैं, अभी शाम के 4 बज रहे हैं दोस्तों, तो इनकी शाम की प्रेयर की पूरी व्यवस्था हो रही है। यहाँ पर बौद्ध भिक्षु बैठ कर शांति से प्रेयर करते हैं, और ये रहा काफ़ी सुंदर और ऐसा भव्य ये स्तूप। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी फैमिली बैठी हुई है। हाँ हेलो सबको, जय भीम, नमो बुद्धाय, ये पूरी मेरी फैमिली है। और यहाँ पे अभी लोगों का आना शुरू हो गया है, तो ये एंट्री गेट है दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और जैसे ही हम अंदर जाएंगे तो एक्सक्यूज़ मी, तो जैसे ही हम अंदर जाते हैं दोस्तों, तो हम ये अद्भुत नज़ारा देखते हैं। हमारे लेफ्ट और राइट साइड में आप देख सकते हैं जहाँ पर बौद्ध भिक्षु बैठकर यहाँ पर भगवान बुद्ध को अभिवादन करते हैं, बुद्ध वंदना लेते हैं, वो भी तिब्बतीयन पैटर्न में। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं एक तिब्बतीयन आंटी जो है वो दलाई लामा जी और भगवान बुद्ध के सामने प्रेयर कर रही है और उन्हें प्रणाम कर रही है। यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो कल्चर है वो काफ़ी डिफरेंट है हमारी बुद्ध पूजा से, इनकी जो बुद्ध वंदना है या बुद्ध पूजा हम कहेंगे वो डिफरेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है वो तिब्बतीयन पैटर्न में है, और उनके राइट और लेफ्ट में भी भगवान बुद्ध की खड़े पोजीशन में मूर्ति लगाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये इस तरह से ये बेल लग रखी है, यहाँ पर टिफिन बॉक्स जैसा लग रहा है, ये सारे टेबल्स पर रखा गया है। मतलब सारे बौद्ध भिक्षु एक साथ जब
बुद्ध वंदना लेते होंगे तिब्बतियन स्टाइल में, तब भी बहुत ही सुंदर और अद्भुत नज़ारा रहता होगा। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो देख रहे झूम करके आपको दिख रहा हूँ, ये देवी तारा देवी है, उनकी ये मूर्ति है। तारा देवी का काफ़ी महत्व है तिब्बतियन में, और जैसे कि देख सकते हैं आप ये वॉल पर ये फ़ोटोज़ लगी है। ये भी कोई बौद्ध गुरु होंगे जिन्हें मैं नहीं जानता, इसलिए मैं इनके बारे में कुछ राय नहीं दूंगा अपनी। आप दलाई लामा जी को देखिए किस तरह से उनको यहाँ पे पोस्टर लगाया गया है, ऐसा लग रहा है कि वो खुद ही यहाँ पे बैठे हैं, और काफ़ी अद्भुत नज़ारा है। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है दोस्तों मुझे यहाँ पर आकर, और मैं मंत्रमुग्ध हो गया हूँ। दोस्तों जैसे कि आप फ्रेम में देख सकते हैं, मुझे यहाँ पर काफ़ी खाने पीने की चीज़ें दिखी है, कोका कोला मैगी वगैरह सब रखा हुआ है, शायद ये लोग खाते होंगे पता नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं पोती पुराण जैसे ये शोकेस में रखा है, और काफ़ी अद्भुत और काफ़ी यूनिक मूर्तियाँ मुझे देखने को मिली, चाहे फिर वो तारा देवी की हो या भगवान बुद्ध की हो, काफ़ी अद्भुत और काफ़ी अलग है हमारे भारतीय भगवान बुद्ध की मूर्ति से। तो ये एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मुझे यहाँ पे आने का। ये देख सकते हैं ये मूर्ति बाद में कॉपी करके हिंदू देवी देवताओं ने ऐसे तीन सिर वाली मूर्तियाँ बनाना शुरू कर दिए। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बाबा साहब की हमें फ़ोटो देखी है, काफ़ी सुंदर और काफ़ी अद्भुत ऐसी ये फ़ोटो लगाई गई है बाबा साहब की। यहाँ पे देख सकते हैं आप ये जो बौद्ध भिक्षु है, बौद्ध मॉन्क है, ये अलग तरह का सूत बांधते हैं। हमारे तरफ सफ़ेद कलर का सूत रहता है, लेकिन ये जो है वो कलरफुल सूत है, ऐसा लगेगा कोई यहाँ से बांध के निकलेगा तो ये हम किसी मंदिर से बांध के निकले, लेकिन ये थोड़ा सा अलग सा धागा है रेशम का, और काफ़ी अलग तरीके से वो बांधते, पहले एक गठान लगाते हैं फिर हमारे कलाई पर वो सूत बांधा जाता है। चलो चलते हैं बाहर। तो जैसे ही हम स्तूपा के बाहर आते हैं, यहाँ पर आप देखिए मणिपद में हूँ, मतलब यहाँ मणि चक्र है, यह अवलोकितेश्वर की धारणी ओम मणिपुर होम के मंत्र लाखों की संख्या में भरे हैं। इसे एक बार घुमाने से लाखों मंत्र जाप का पुण्य मिलता है। कृपया माणिक चक्र को बाएं हाथ की ओर घुमाएं, समझे? तो इसको हम ऐसे घुमाने चलेंगे। ये पूरे स्तूपा के घेर के दोस्तों, और इसके ऊपर ये ऐसे मंत्र लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते घुमाते हुए हमें चलेंगे। और ऐसा ही एक बड़ा मंत्र जहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये तिब्बतियन पैटर्न है दोस्तों, वो वहाँ पर है, तो हम वहाँ पर जाएंगे, तो बने रहें। चलिए तो दोस्तों अभी हम आए हैं स्तूपा के एकदम फ्रंट में, उधर स्तूपा है और यहाँ पे हम फ्रंट में आए हैं। यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था, आरओ की व्यवस्था आप देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप सुबह आइए 12 बजे के पहले, और शाम में आइए 4 बजे के बाद। बीच में ये इसका क्लीनिंग वगैरह रहता है, तो ये साफ़ सफाई के लिए बंद रहता है। तो आइए दोस्तों इधर हम चलते हैं। एक तिब्बतियन बुजुर्ग घंटी वहाँ पर, वो घंटी घूम रही है, तो हम भी अभी उसको घुमाएंगे, इससे ब्लेसिंग्स मिलती है ऐसा इनका कहना है। इस तरह इसको घुमाने से, इसके ऊपर कुछ मंत्र लिखे हैं, जो एक बार घुमाने से आपको लाखों बार की ब्लेसिंग्स या लाखों बार में आप मंत्रोच्चार कर दिए, ऐसा इसका अर्थ होता है। आप पीछे देख सकते हैं इनकी पूरी कॉलोनी है, पूरे तिब्बतियंस लोग आपको दिखेंगे यहाँ पे, देख सकते हैं जितने भी आपको यहाँ पे लोग दिख रहे हैं, तिब्बतियंस कॉलोनी है। यहाँ पे बौद्ध भिक्षु भी तिब्बतियंस है, आगे केयर टेकर्स भी तिब्बतियंस है, हर कोई यहाँ पे तिब्बतियन से। ये इतना ही नहीं है, ये बहुत बड़ी बस्ती है दोस्तों। एक बौद्ध स्तूपा पीछे भी है, वो भी काफ़ी सुंदर है, वो भी हम देखेंगे। तो इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो वही आएगा कि उधर भी एक काफ़ी सुंदर सा बौद्ध स्तूपा है, वहाँ पर स्पेशली बौद्ध भिक्षु जो है वो पढ़ाई के लिए रहते हैं, हम वो भी एक्सप्लोर करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो कैसा लगा ये वीडियो और कैसे लगी ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो कहाँ की है, ये मतलब ये स्तूपा कहाँ का है, इसका लोकेशन मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या लाइव लोकेशन आपको बता दूंगा। ये आपको आना पड़ेगा, आपको भंडारा जिले में आना पड़ेगा, तिब्बतियन कैंप आप डाल सकते या तिब्बतियन बौद्ध विहार आप डाल सकते, आपको मैप में मिल जाएगा। और यहाँ पे आने का रास्ता भी काफ़ी एडवेंचर है दोस्तों, बाजू में नहर है और एक कच्चा रास्ता है, कच्चे रास्ते से होते हुए कम से कम आधे एक घंटे का रास्ता कवर करने के बाद ये सुंदर सा बौद्ध स्तूप और ये कॉलोनी हमको देखने को मिलती है। काफ़ी बड़ी ये कॉलोनी है दोस्तों, मतलब ये बौद्ध स्तूपा के लिए सीमित नहीं है, इसके लेफ्ट साइड में भी कॉलोनी है, ओल्ड एज होम है, दवाखाने हैं, सब कुछ तिब्बतियंस का है। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।